जो जल्द ही सिनेमा घरों में होने जा रही है रिलीज, उसका दूसरा गाना भी रिलीज हो चुका है जिसका नाम है लेट द म्यूजिक प्ले। जो एक रिक्रिएट वर्जन है जिसका इस्तेमाल फिल्म में होगा। अब इस गाने के लॉन्च पे पहुंची थी रूही की टीम, यानी वरुण शर्मा और जानवी कपूर पहुंचे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। क्या कहना है उनका अपनी फिल्म और इस गाने को लेके, आइए दिखाते हैं हम आपको। थैंक यू सो मच गाइस। गाइस बिफोर वी रैप दिस अप, वुड यू लाइक टू से वन लास्ट थिंग, वन लास्ट मैसेज टू दिल्ली ऑडियंस एंड रिक्वेस्ट देम टू कम टू थिएटर्स एंड एक्सपीरियंस दिस मूवी। आप में से कौन-कौन थिएटर्स में आने वाले हैं? बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ प्लीज यार, नीचे बैठ जाओ। हां सच में प्रॉमिस सर, यही कहना चाहेंगे यार, ये जो फिल्म है इसका जो मजा है वो थिएटर में ही आएगा। अगर आपको स्त्री अच्छी लगी है, रूही स्त्री की से ज्यादा क्रेजी है, उसकी क्रेजी बहन है। इसमें बहुत हंसने को मिलेगा, बहुत डरने को मिलेगा, पूरा एक मिक्स्ड इमोशन आएगा। एंड पहली फिल्म आ रही है सिनेमा खुलने के बाद 11 मार्च को, हम लोग बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। आई थिंक वापस अलाइव फील हो रहा है हम सबको ये प्रमोशन राउंड और थिएटर में वापस आके। सो प्लीज आइए थिएटर में 11 मार्च को, रूही देखिए, हंसते हंसते डरिए और डरते डरते हंसिए। जी, हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी है ये सोच के चलिए कि हम ये थिएटर कल्चर को मरने नहीं दे सकते, और हम बहुत ज़्यादा हिम्मत करके हमारी फिल्म को ला रहे हैं क्योंकि हम हमारी फिल्म पे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। एंड आई होप कि इस फिल्म के ज़रिए आपको वो थिएटर कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस वापस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, हंसने को मिलेगा, डरने को मिलेगा। फैमिली के साथ जाइए, मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइजर लेकर जाइए, लेकिन प्लीज जाइए, आई प्रॉमिस बहुत ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, थैंक यू यार, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे जानवी कपूर और वरुण शर्मा। आपकी क्या राय है इस गाने पे और पूरी फिल्म पे, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल जिसका नाम है बूगल बॉलीवुड।